राजीव तुली, मैं आपसे अब ये पूछ रही हूं कि क्या अब इस मैंडेट के बाद पिछले 10 वर्षों में हमने आरएसएस को बैक सीट पर देखा और वो कोई अप्रत्याशित नहीं था, नतीजे मिल रहे थे और आरएसएस को भी लगा कि एक फ्री हैंड देना, स्वायत्तता देना एक ऐसे चेहरे को जो नतीजे दे रहा है जरूरी है। क्या वो बदलता हुआ दिखेगा? क्या 240 के इस मैंडेट के बाद क्या संघ ड्राइविंग सीट पर लौटता हुआ दिखेगा? धन्यवाद गरिमा जी, वो थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू था इसलिए पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी। प्लीज सर कैरी ऑन। मैं ना आपको कुछ बातें याद करवाना चाहता हूँ। 2014 से लेकर के लगातार सारे मीडिया ने संघ, भाजपा और संघ के जो अनुसांगिक या विविध संगठन है उन सब की जो जो भी समन्वय बैठकें हुई है आपने उसको बहुत अच्छे से कवर किया है। तो कहीं संघ बैक सीट ड्राइव कर रहा था या फ्रंट सीट ड्राइव कर रहा था, मुझे लगता है उस सब का विषय नहीं है। जब कोई संगठन, कोई भी संगठन किसी हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। किसी भी प्रकार का संगठन, देखिए दो प्रकार के संगठन है, एक है जो संघ की योजना से प्रारंभ हुए, दूसरे संघ की प्रेरणा से प्रारंभ हुए। जो संघ की योजना और प्रेरणा इन दोनों से प्रारंभ हुए, जब जब उन्होंने संघ से अपने यहाँ काम करने के लिए कार्यकर्ता मांगे, संघ ने उनको आवश्यकता अनुसार काम अच्छा लगा तो उनको कार्यकर्ता दिए। धीरे धीरे वो संगठन बड़े हुए, बड़े होकर वो संगठन स्वतंत्र और स्वायत्त हुए, स्वच्छंद उनमें से कोई भी संगठन नहीं हुआ। कोई भी का मतलब मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कि कोई भी संगठन उसमें से स्वच्छंद नहीं है, स्वच्छंद नहीं हुआ है। अभी भी संघ की जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक मार्च मास में हुई उसमें भी सभी संगठनों का जो शीर्ष नेतृत्व अपेक्षित था इंक्लूडिंग भाजपा वो उसमें गया। उसके अतिरिक्त जब भी समन्वय बैठक होती है उसमें भाजपा के जो जो लोग भी अपेक्षित होते हैं, क्योंकि सब संगठन बड़े हो गए, संघ भी बड़ा हो गया, विश्व हिंदू परिषद भी हो गया, विद्यार्थी परिषद भी हो गया, विद्या भारती भी हो गया, भाजपा भी हो गया, जैसे सब संगठन बड़े हो गए तो 6 महीने में एक बार उनकी एक समन्वय बैठक होती है, रूटीन बैठक होती है, पूरा मीडिया कवर करता है। पिछले 10 साल वो बैठक लगातार चली है, लगातार होती रही है और आप सबने उसको कवर भी किया है। और फिर दूसरा, लेकिन अभी यही बदला क्या? सुकेश जी को पूरा नहीं सुन पाया, यही बदला क्या? मैं अभी बता रहा हूँ मैं उस पे भी आ रहा हूँ, गरिमा जी मैं उस पर भी आ रहा हूँ। अभी थोड़ा सा मैं सुकेश जी को सुन पाया और थोड़ा प्रोफेसर साहब को सुन पाया, मेरा परिचय नहीं है प्रोफेसर साहब से, कभी मेरी भेंट नहीं हुई है, थोड़ा उनको सुन पाया। तो सुकेश जी कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं के पास नाराज होने का, इस देखिए 2019 के चुनाव में जब हम अपने कार्यकर्ता के पास जाते थे तो वो हमें प्रश्न करता था कि इन पिछले 5 सालों में हमारा कौन सा इशू ऐसा है, कौन सा विषय ऐसा है, वो राम मंदिर होगा, धारा 370 होगी या का हटना होगा, या कॉमन सिविल कोड होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, इन तीनों में से कौन सा ऐसा इशू है जो भाजपा ने पूरा किया है जिसके कारण आप हमें इस बार काम करने के लिए कह रहे हैं। तो उनको एक लोकमत परिष्कार का एक संघ का एक कंसेप्ट है, 100% पोलिंग हो, राष्ट्रीय विषयों पर बड़े इलेक्शन में पोलिंग हो, उसके लिए संघ के स्वयंसेवक जाते हैं। इस चुनाव में जब हम मतलब बहुत आश्चर्य का विषय यह है, जब इस चुनाव में हम अपने कार्यकर्ता के पास गए, हमने उसको काम पर लगना 100% और विषय सब अपने दिए, 100% मतदान के लिए लगे, लोकमत परिष्कार के लिए लगे, उसके लिए वो काम करे गए, तो ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड कि राम जन्मभूमि हो गया, 370 हो गया, तो जिस दल ने ये कर दिया उसी के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन राजीव जी बात यहाँ एक और भी आती है, सुनिए बात एक और भी आती है, अभी सुकेश जी से बात यही हो रही थी कि भाई ऐसी कौन सी सरकार रही जी बीजेपी की, चाहे वो अटल सरकार हो या मोदी सरकार, बेहतर मोदी सरकार ही रही आरएसएस का कोर एजेंडा एग्जीक्यूट कराने में सबसे ज्यादा परिश्रम करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे।
370 हो गया, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, यूसीसी का नैरेटिव चल ही रहा है पूरे देश में कि आएंगे तो लागू करेंगे, उसके बावजूद क्या वो जो संघ का मूल सिद्धांत है कि अधिनायकवाद नहीं, किसी एक व्यक्ति की पूजा नहीं होगी, एक व्यक्ति संगठन से बड़ा कभी नहीं होगा, संगठन सबसे बड़ा रहेगा, ये एक पेच फंसता है क्या राजी? नहीं, कहीं मुझे नहीं लगता ये पेच कहीं भी फंसता है। और जैसा कम्युनिकेशन, जैसा संवाद, देखिए संघ और भाजपा के बीच में समन्वय के लिए कुछ लोग तय रहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है और मेरी ऐसी जानकारी है उनका सरकार के साथ लगातार संवाद होता था, रहता था, कहीं बीच में कहीं और संघ संगठन मंत्री देता है भाजपा में, भाजपा संघ से संगठन मंत्री मांगती है और संघ वो संगठन मंत्री उनको देता है, तो वो जो संगठन मंत्री है वो भी इस कड़ी का काम करते हैं, तो कहीं पर वो आपको कड़ी टूटी हुई दिखती है तो दिखती होगी, मुझे नहीं दिखती, नहीं लगता। तो जानकारी में है ऐसा कोई थोड़ा सा कुछ लोगों, ठीक है राजीव जी, रतन शारदा अगर उसके बावजूद भाजपा हो चाहे गठबंधन सरकार के लौटने पर, ठीक है राजीव जी।